गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे हेलिकल कॉइल को कैसे फिट करते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैप विथ हैंडल और इसको डालेंगे जहाँ पे हमें यूज करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये पार्ट डैमेज है, इसमें हम लोग इसको डाल करके इसके बाद फिर एक थ्रेड बनाएंगे ताकि हेलिकल कॉइल हमारा ईजिली चढ़ सके। जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग टैप मार करके उस पर एक थ्रेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसको काफ़ी धीरे धीरे से करना है, आप तेज़ी से गलती मत कीजिएगा, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कीजिएगा ताकि आपका थ्रेड प्रॉपर रहे तो आपका हेलिकल कॉइल भी बराबर बैठेगा और उस पर जो आप बोल्ट टाइट करेंगे वो भी सही बैठेगा। तो अच्छे से पहले हम थ्रेड बना लेंगे। अब हम हेलिकल हैंडल के साथ हेलिकल को फंसाएंगे और इसमें बहुत ही आराम आराम से फिट करेंगे। और जब अपना हेलिकल कॉइल बैठ जाए तो उसका जो लॉक है उसको बिठा करके उसको धीरे धीरे दो तीन राउंड अपोजिट साइड में घुमाने से वो कॉइल उसका लॉक बराबर उस पर बैठ जाएगा। इसके बाद फिर बोल्ट को हम बराबर इस पर फिट करेंगे। अगर ये सब कुछ सही रहा तो आपका बोल्ट एकदम बराबर बैठेगा। तो होप सो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे जो हम हेलिकल कॉइल का क्यों यूज करते हैं। मेनली सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट इन द सेंस अगर हम एमएस और एलुमिनियम की बात करें तो एमएस के कंपेरिजन में एलुमिनियम जो है हमारा काफ़ी सॉफ्ट आएगा। तो उन दोनों को जब अटैच करना है तो एलुमिनियम के बॉडी पे हमारा वो ग्रिप बराबर नहीं जम पाएगा, तो लोड के टाइम पे वो थ्रेड डैमेज कर देगा। उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए हम लोग हेलिकल कॉइल का यूज करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।